हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर और चलिए आप और मैं मिलकर बनाते हैं एक चिकन का पुलाव। दावत पुलाव, ये एकदम बढ़िया। कोई भी आप पुलाव बनाएं, वेजिटेरियन बनाएं, नॉन वेजिटेरियन बनाएं, लेकिन दावत पुलाव के साथ बनेगा तो एकदम स्पेशल बनेगा। तो स्पेशल पुलाव बनाने के लिए ये दावत पुलाव, और इसको पानी के अंदर भिगो के रखना आधे घंटे तक, और उसके बाद में पानी निकाल के इसे हम पकाएंगे। लेकिन चिकन का पुलाव है तो चिकन के साथ में पकाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, घी में पकाता हूँ। घी ले लिया और इसमें पुलाव है, फ्लेवर अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा इलायची लेते हैं, थोड़े कुछ लौंग के दाने लेते हैं, थोड़ी सी दालचीनी लेते हैं, चलिए तेज पत्ता भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। खुशबू अच्छी आ रही है, आँच तेज़ है। इसमें जो दावत पुलाव हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो है सफ़ेद मोती जैसे दाने जो आपके पुलाव को एकदम स्पेशल बनाएंगे। स्वादिष्ट पुलाव का असली स्पेशलिस्ट है दावत पुलाव। खुशबू इसमें से आनी शुरू हो गई घी के अंदर से, तो ये जीरा और इसके अंदर स्लाइस्ड अनियन। वाह क्या खुशबू आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो चिकन है ये ले लेते हैं और चिकन को इसके अंदर डालते हैं। हरी मिर्च भी डालते हैं थोड़ा। ये चिकन के साथ में इसका बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, इसमें चिकन को थोड़ा भूनना है हमें, और जब ये सफ़ेदी पे आने लग जाए इस तरह से चिकन तेज़ आंच पे, तब इसमें डालना है नमक। और नमक इसमें से जो मॉइस्चर है थोड़ा चिकन का बाहर निकालेगा, और उसकी वजह से हल्का लाली में जल्दी आएगा ये चिकन। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, प्याज और उसके साथ साथ चिकन, दोनों हल्के से लाल होने शुरू हो गए हैं। और अब इसमें बारी आती है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके साथ साथ इसमें थोड़ा दही, दही से खटाई भी आएगी, क्रीमीनेस भी आएगी, और इसके साथ साथ ये चिकन स्टॉक, जितना चावल हो उसका डेढ़ गुना स्टॉक इसमें डालना है हमने। थोड़ा गर्म होने देते हैं इसे। चावल, दावत पुलाव भीगा हुआ पानी के अंदर, हल्के हाथ से कर दिया मिक्स। एक जब ये अच्छी तरह से बबल करने लगेगा तब ढक्कन लगा के इसको दम पे पकाएंगे। अब ये उबलने लग गया है, एकदम बढ़िया से बबल्स इसमें आने लग गए हैं, और जब पानी थोड़ा सोखना शुरू कर दें उसके बाद इसको ढक्कन लगा के मीडियम हीट पर पकने दें। मुझे लगता है अब ये पूरी तरह से तैयार है, दम में पड़ा हुआ है। वाह चावल एकदम बढ़िया से पके हुए। वाह ओहो नाइस पुलाव, ये एकदम अच्छे तरह से तैयार। तो चलिए इसको परोस देते हैं, प्लेट कर देते हैं। तो ये चिकन और राइस, ओ लुक एट दैट, थोड़ा सा ये अनियन, मिंट लीफ एंड दैट्स इट। मज़े से खाइए, दिखने में अच्छा लग रहा है, रिच लग रहा है, माउथ वाटरिंग लग रहा है। दावत बनेगा तो फर्क दिखेगा।